IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आपका IVTV में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। चिराग पासवान के बाद पशुपति पारस रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाने की तैयारियों में है। बता दें, पशुपति पारस रामविलास पासवान की पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को मनाएंगे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो चिराग पासवान को भी आमंत्रित करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। जितने भी हमारे जिलाधिकारी है, हमारे सांसद जन है, सभी लोग की बैठक बुलाई गई थी। आपको मालूम है रामविलास पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को है, इसी पार्टी कार्यालय में उनका प्रथम पुण्यतिथि मनाया जाएगा। उसी की तैयारी हेतु आज हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है और जो कार्ड का वितरण हम लोगों ने उनसे किया, प्रत्येक जिलाध्यक्ष के लोगों से, प्रत्येक पार्टी के पदाधिकारी है उनसे, और हमारा 3 डिमांड है। चूंकि स्वर्गीय पासवान जी देश के बड़े बड़े नेता माने जाते थे, गरीबों के पसीहा थे, सेकंड अम्बेडकर के रूप में वो जाने जाते थे, तो दलित समाज में पैदा लिए उन्होंने शोषित दलित पिछड़ा क्लियर और ऊंची जाति के गरीब लोगों की वकालत उन्होंने की। और आपको पता है कि उनके समय में ही मंडल कमीशन लागू हुआ, जब वो लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर थे, उनके कलम से कैबिनेट में पहली बार देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। उसमें उनके प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, और पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। और जो गरीब कुटुंब के लोग हमारे यहाँ पिछड़ी जाति के पिछड़े लोग हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिला। दूसरा उन्होंने काम किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दिलवाई। तीसरा उन्होंने काम किया सेंट्रल हॉल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर स्टेचू लगवाया, और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करवाया। जब जब भी उनको मौका मिला, आगे ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनका कहना था कि शोषित दलित जितने सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए हैं, समान कोटि में उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। और उनके प्रयास से ही जो हमारे पार्टी का संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को 50% आरक्षण देंगे। देर सही, लेकिन कैबिनेट को मंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री जी जागरण के उन्होंने ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण दिलवाया। हाजीपुर 77 से लेकर 2019 तक हाजीपुर से कप्तान के 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला, और उन्हीं के अथक प्रयास से हाजीपुर में सीएम कार्यालय खोला गया, जो आज वहाँ काफी संख्या में लोग वहाँ जो बेरोजगार नौजवान थे उनको रोजी रोटी मिला। तो इस माध्यम से जो प्रथम पुण्यतिथि है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैंने कथित रूप से कहा भी है कि 30 वर्ष से इस कोटि पर 1 नंबर के जहाँ हम लोग पार्टी कार्यालय है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है इसको, इस कार्यालय को स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। दूसरा हमारी मांग है, क्योंकि हाजीपुर से 77 से लेकर 2019 तक में वो वहाँ के प्रतिनिधित्व रहे, प्रतिनिधि किए, इसलिए हाजीपुर में भी रेलवे स्टेशन हो या कलेक्ट्रेट में हो या कठमला चौक पर हो, कहीं भी उनका एक आदर तत्व मूर्ति लगाया जाए। और तीसरा मेरा डिमांड है माननीय प्रधानमंत्री जी से, स्वर्गीय पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान करके भारत सरकार को भेजा जाए। यही मेरा 3 डिमांड है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि निश्चित रूप से भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, हमारी भावना से हम लोग निश्चित रूप से डिमांड को तो मानेंगे। यही हमारे हमारा मांग है। धन्यवाद। मैं माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, भारत बिहार के महामहिम राज्यपाल हो गए, और जितने भी बिहार के लीडर्स हैं, चाहे सत्ताधारी दल के हों, विपक्ष के हों, सभी लोगों से मैं व्यक्तिगत रूप जाके मैं जो निरंतर करूँगा और उनसे मैं आग्रह करूँगा कि उस दिन आकर के स्वर्गीय पासवान जी के चित्र पर माल्यार्पण करें। 8 तारीख और उसे जितने भी लोग हमारे यहाँ आए, सभी गरीब लोगों को मैं भोजन भेज रहा हूँ। 8 तारीख चिराग पासवान जी मैं सबको निमंत्रण दूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे सत्ताधारी पक्ष के हो या विपक्ष के हो,
मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि उस दिन स्वर्गीय पासवान जी की पुण्यतिथि में सभी लोग आए और उनको माला अर्पण करें। धन्यवाद। तो सुना आपने, आपको बता दें चिराग पासवान ने पशुपति पारस को भी आमंत्रित किया था, जिसमें पशुपति पारस रामविलास पासवान की बरसी में गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान जाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी के साथ आईवी टीवी देखते रहिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, यूट्यूब पर शेयर कीजिए। धन्यवाद।